कर्नाटक में राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी चुनाव मैदान में उतरी। मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, कर्नाटक की 40% सरकार ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। भ्रष्टाचार के कारण कॉन्ट्रैक्टर ने खुद की जान ले ली। पुलिस भर्तियों में स्कैम हुए, हर तरह का भ्रष्टाचार किया गया। इसके खिलाफ पीएम को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के गौरव की बात उठा दी। हाल ही में कर्नाटक में गुजरात की कंपनी अमूल का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। लोग कर्नाटक के दूध ब्रांड नंदिनी के समर्थन में आए हैं और खड़गे ने भी कन्नड़ गौरव की बात उठा दी। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने कर्नाटक के विजया बैंक का विलय गुजरात की बड़ौदा बैंक में कर दिया। बीजेपी लगातार कर्नाटक के गौरव पर निशाना साध रही है। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी को हराने के लिए जनता को आगे आना होगा। दूसरी ओर बीजेपी के लिए अमित शाह ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया और दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा का विवादित बयान सुर्खियों में आ गया। ईश्वरप्पा ने कहा कि शिवमोगा में बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। साफ है बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीत। जंतर मंतर पर एक बार फिर पहलवानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार पहलवान दुगनी मजबूती के साथ धरने पर बैठे हैं। धरना तीसरे दिन भी जारी है। 7 महिला रेसलर्स ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोई कार्रवाई न होता देख 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा है कि मामला गंभीर है। इन महिला रेसलर्स ने कोर्ट से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की है। पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सुनवाई जरूरी है। मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। पहलवानों का कहना है कि ब्रिजभूषण सिंह को बचाने में पूरा खेल मंत्रालय जुटा है। सरकार से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पहलवानों को राजनीतिक दलों का साथ भी मिल रहा है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने पहलवानों का समर्थन किया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी देश के पहलवानों के साथ दिखाई दिए। किसानों ने भी पहलवानों को पूरा समर्थन दिया है। इस बीच आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की सदस्य बबीता फोगाट ने जांच ठीक से नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बबीता ने कहा कि सभी की सहमति से ये रिपोर्ट नहीं बनी है। जांच रिपोर्ट पढ़ते वक्त मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई थी। खबर ये भी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पुलवामा में हुए हमले पर खुलासे के बाद से मोदी सरकार सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सत्यपाल मलिक लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार की चूक की वजह से पुलवामा हुआ। मलिक के बयान पर बीजेपी घिरी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैदान संभाला। उन्होंने बीजेपी का बचाव करते हुए कहा था कि पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने यह आरोप क्यों नहीं लगाए, पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। इस बयान को लेकर सत्यपाल मलिक ने शाह को करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पद पर रहते हुए भी उन्होंने ये सवाल उठाए थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये कहना गलत है कि मैं ये मुद्दा तब उठा रहा हूँ जब मैं सत्ता में नहीं हूँ। ये मुद्दा जिस दिन पुलवामा में सैनिकों को निशाना बनाया गया था मैंने उस दिन भी उठाया था। सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है। मलिक का स्टैंड क्लियर है कि वो पुलवामा हमले को लेकर दिए गए अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अमित शाह को भी मलिक ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने सच्चाई पद पर रहते हुए ही बता दी।